हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका पार्ट नंबर 2, फेज ट्रांजिशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फेज ट्रांजिशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फेज ट्रांजिशन होता क्या है, फिर ये कितने टाइप का फेज ट्रांजिशन होता है और हर का क्या कैसे कैसे फेज ट्रांजिशन होता है। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले बात, फेज कौन कौन सी होती है, सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आपको मालूम होगा इसमें एक दो स्टेट और बताई थी, प्लाज्मा और इससे भी ऊपर कौन सी होती है, सॉलिड से भी बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फाइव स्टेट थी, लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस कॉमन स्टेट थी और ये दोनों अनकॉमन स्टेट है। जैसे कि आपको याद दिख रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और सॉलिड से भी पहले क्या होता है, बेसिक। अब हम किस में चेंज करें, टेम्परेचर में और प्रेशर। सबने ये चीज किया है, जब हम वाटर में आइस बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइस क्यूब्स के अंदर जो ट्रे होती है उसमें पानी फिल किया और उसे फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में टेम्परेचर क्या होता है, कम, और इसमें देखा होगा ऐसे यू शेप्ड ट्यूब्स होती है, वो क्या होता है, प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है। प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, तो टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ा देता है। किससे बढ़ाते हैं, हम कंप्रेशर से, और कूलेंट गैस जो होती है उसको टेम्परेचर को कम करती है। कॉज मैटर टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिससे वाटर किस में बदल जाता है, आइस में। ये तो एक फेज ट्रांजिशन हुआ, ऐसे सारे फेज ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट वन मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड, यानी आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। नाउ फ्रीजिंग, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, उल्टा, वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। डिपोजिशन, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो क्या हो गया, स्नोफॉल। वेपोराइजेशन, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में, यानी वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में, तभी तो बारिश आएगी। कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हेन गैस ट्रांजिशन इनटू लिक्विड, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, यानी वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, रेन, बारिश जो आती है, रेनफॉल। स्नोफॉल क्या होता है, डिपोजिशन, और रेनफॉल क्या होता है, कंडेंसेशन। सब्लिमेशन, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, कैम्फर, अपूर। कपूर, और देखिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल है, जिसमें डायरेक्ट सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस। आपने कपूर देखा होगा कि जलाया है, जलाते हैं जब हम कपूर, तो सॉलिड होता है, उसमें आग लगाई जाती है, तो सीधा ही किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है, तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। नाउ रिकॉम्बिनेशन और आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में गैस से क्या बनता है, प्लाज्मा। गैस में आयंस नहीं होते और प्लाज्मा में क्या होते हैं, आयंस। ये कहां होता है, सन कोरोना, या फिर ड्यूरिंग लाइटनिंग, बारिश के समय जो बिजली कड़कती है उस समय गैस किस में बदलती है, प्लाज्मा में। रिकॉम्बिनेशन, प्लाज्मा किस में बन जाता है, गैस के अंदर। दीज ऑल आर फेज ट्रांजिशन। एक बार रिपीट करते हैं, वाल्टिंग, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड आयनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट। यूनिट, डेफिनेशन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट क्या होती है, डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजरमेंट। मेजरमेंट के काम में ले जाने वाले जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस होते हैं उनको हम यूनिट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके स्कूल और घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप क्या बोलेंगे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एक
कुछ दो के आगे कुछ लगाएंगे। अब ये कहने लगेंगे दो, क्या दो मीटर किलोमीटर है ना, या और भी कम, या एकदम पास में ही है। तो खाली दो का कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसके आगे यूनिट नहीं लगा दी जाए। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी स्कूटर का या बाइक का या स्कूटी का एवरेज कितना है ना, तो आप उसके आगे क्या यूनिट लगाएंगे, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, यही है। तो जब तक आप ये यूनिट नहीं लगाएंगे, रेफरेंस यूनिट नहीं लगाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसके 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपसे कहा जाए कि कॉपीज लिख के आइए, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि कितने किलो कॉपी लानी है, कितने किलो किताबें लानी है, आप ये पूछेंगे कौन कौन सी किताबें लानी है ना, नोटबुक कितनी लानी है। काउंटिंग के आगे कुछ ना कुछ मेजरमेंट की यूनिट होती है ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड कई तरीके से मेजर किए जाते हैं। कितने सिस्टम है इसके, 3 CGS नाम से ये। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकेंड। MKS M मतलब मीटर, K मतलब केजी, K का मतलब केजी, और S सेकेंड। ये तो सेकेंड और सेकेंड है, MKS है यूनिट ही बोलते हैं, वो भी क्या होती है, MKS ही होती है। सिस्टम इंटरनेशनल, SI का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। एक और थर्ड है FPS, F का मतलब क्या होगा, फिट या फुट जिसको बोलते हैं, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकेंड। तो कॉमनली कितने यूनिट्स यूज में ली जाती है, कितने सिस्टम यूज में लिए जाते हैं, 3 CGS, MKS एंड FPS। MKS को ही SI, यानी SI जो सिस्टम है उसने किसको अडॉप्ट किया, MKS को, मीटर डिस्टेंस के लिए, वेट के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, है ना। ये किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा। नाउ SI यूनिट, SI यूनिट का एब्रिवेशन किससे आया, फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI। कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एक नंबर के क्वेश्चन में, कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन 11th के जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ मीट्रिक सिस्टम, यानी MKS, दैट इज यूज्ड इन यूनिवर्सली एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। ऐसा यूनिट प्लेज ए वाइटल रोल इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। अब देखिए यहां पर हम ले रहे हैं किलोग्राम, किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाइए वहां पे भी वेट के लिए क्या यूज करेंगे, किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर, सब जगह। तो कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। अगर ये अलग अलग यूज करेंगे तो क्या हो गया, साइंटिस्ट के बीच में या जो पढ़ने वाले हैं उन रिसर्च पेपर्स को, उनके बीच में कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगा। इसलिए एक ही रहे, सब जगह एक ही तरीके की यूनिट चलती रहे, तो आपको क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ क्या कहना चाह रहे। जैसे पहले यहाँ पर जब न्यूली बॉर्न बेबी होता था तो हॉस्पिटल्स में क्या बताते थे, बेबी इतने पौंड का है। अब आधे लोगों को समझ ही नहीं आता अभी तक कि पौंड क्या होता है, तो क्या करते हैं, अब कहते इतना किलो का बेबी है। तो ये चीज क्यों बता दी, क्योंकि हमें समझ आनी चाहिए। ये काम कौन कर रहा है, SI यूनिट्स, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, डेवलपमेंट होता है, इनमें यूनिफॉर्मलिटी रहे, एक जैसा रहे, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, SI यूनिट्स। SI यूनिट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड यूनिवर्सली इन टेक्निकल साइंटिफिक रिसर्च टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द यूनिट्स। हैविंग अ स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प द एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट इन वन सेट ऑफ यूनिट सिस्टम। अलग अलग तरीके से कहा गया है, लेकिन मतलब सबका एक है कि यूनिफॉर्मलिटी बनी रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम SI यूनिट यूज में लेते हैं।
फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, सिस्टम इंटरनेशनल। दो तरीके की एसआई यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट, और क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट। देयर आर सेवन फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज सेवन फंडामेंटल यूनिट्स। ये कितनी होती है, सेवन। ये क्या होती है, अनलिमिटेड, और किससे बनती है, सारी की सारी किससे होती है, डिराइव्ड, इसी से ही, इनसे क्या होगी, डिराइव्ड होगी, बनेगी। बेस यूनिट कौन सी किस किस के लिए आती है, आपको कितनी बताई, सेवन, सेवन के सेवन आपको ध्यान रखनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए लिया जाता है, लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, टेम्परेचर के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। उनका सिंबल क्या यूज किया जाता है, कब कैपिटल लिखना है, कब स्मॉल लिखना है, उनका नाम क्या है, और ऐसा यूनिट का सिंबल क्या है। जैसे लेंथ है, आप इसको किससे लिखेंगे, एल से, ये लिखा हुआ, और इसका क्या होता है, मीटर, स्मॉल एम, कभी भी वन मीटर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये गलत है, ये क्या आएगा, स्मॉल एम, इट इज राइट, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है हमें, और किसके लिए होगा, लेंथ के लिए। नेक्स्ट मास, मास को आप किससे यूज करते हैं, कैपिटल एम से, ये रहा कैपिटल एम, किलोग्राम, किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, के कैपिटल, जी स्मॉल, जैसे अगर आपको ग्राम लिखना है ना, तो जी, टू जी, लेकिन टू के जी लिखना है तो के कैपिटल आएगा, और ये सही है, सही है, ये कैपिटल आएगा, जी स्मॉल आएगा, टाइम के लिए स्मॉल टी और टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, टाइम के लिए स्मॉल टी आता है और टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, टाइम के लिए सेकंड, सेकंड के लिए स्मॉल एस, ऐसे स्मॉल एस, और केल्विन कैसा आएगा, कैपिटल, इलेक्ट्रिक करंट, करंट के लिए एम्पियर यूज किया जाता है, यहाँ पे आई है, आई, करंट के लिए क्या होता है, आई सिंबल, और एम्पियर के लिए ए भी लिखते हैं और ए एम पी भी लिखा जाता है, एम्पियर, ए कैपिटल आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, एम, एम ओ एल ई इसका नाम है, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं पी मोल तो ई नहीं लगाएंगे, एम ओ एल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिजिक्स के अंदर काम आती है ये, एल वी, कैंडेला, और इसको सी डी, सी भी स्मॉल होता है और डी भी स्मॉल होता है। ये सेवन बेसिक यूनिट्स थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर की कौन कौन सी अदर यूनिट्स है और उनमें क्या रिलेशन। टेम्परेचर के लिए थ्री स्केल्स यूज किए जाते हैं, केल्विन, ये किसमें आता है, एसआई यूनिट में, ये किसमें आएगा, एसआई यूनिट। लेकिन अभी हम बोलते हैं कि हमारा टेम्परेचर इतना केल्विन है, बिल्कुल नहीं, हम क्या बोलते हैं, रूम का टेम्परेचर इतना है, एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, ये 40 है, 30 है, डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं हम, केल्विन यूज नहीं करते। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, केल्विन यूज करते हैं, क्योंकि केल्विन क्या है, एसआई यूनिट। नाउ डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड यूनिट। अब कई जगह पर फारेनहाइट भी यूज में लिया जाता है, तो हमें इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसको रिलेट कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कर रहे हैं, फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें करेंगे, केल्विन में। डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। क्या करना है आपको, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आपको कहा जाए कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको किसमें कन्वर्ट कीजिए, डिग्री फारेनहाइट में, तो क्या करेंगे आप, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 20 प्लस कितना कर देंगे, 32। अब काट दिया 5,
और 20 एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, 5 × 5, 5 × 4 = 20। तो आपके पास कितना आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 × 4 कितना हो गया 36 प्लस 32, ऐड किया तो कितना आ गया 36, 6 × 2 = 8 और 3 × 3 = 6, आंसर कितना आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड किस में कितना आ जाता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब डिग्री केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू, केल्विन के ऊपर कभी भी डिग्री नहीं लगता, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों में डिग्री लगता है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में आप कितना ऐड कर दोगे 273, तो आपको क्या आ जाएगा केल्विन। 0 के टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। अगर कहीं वर्ड आता है एब्सोल्यूट 0, ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है एब्सोल्यूट 0 वर्ड, इसका मतलब 0 केल्विन है। एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, अगर रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री। अब आपको किसमें बताना है केल्विन में कितना होगा, केल्विन में आपके कितना होगा, तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी केल्विन की जगह केल्विन रहने दो, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना हो गया 25 प्लस 273, 5 × 3 = 8, 2 × 7 = 9 and 2, so 298 केल्विन आंसर आ जाए। अब आपसे क्या पूछा गया है एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 का मतलब 0 के, क्या पूछा है सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 क्या होता है 0 के। अब आपसे पूछा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, रिलेशन तो आपको मालूम ही है, क्या रिलेशन होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 270, केल्विन कितना है 0, डिग्री सेंटीग्रेड आपको मालूम करना है 270। अब क्या करेंगे 273 को दूसरी साइड ले जाइए, तो 0 माइनस साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया माइनस का 270, यानी 0 केल्विन किसके बराबर हो गया माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 केल्विन इज इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर क्या हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। ये फर्स्ट कुछ एग्जांपल हमने देखे, यहां पर इस तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है, एब्सोल्यूट 0 आपको ध्यान रखना। नाउ मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास में मास की यूनिट कौन कौन सी होती है, यूनिट्स ऑफ मास ये कौन कौन सी यूनिट्स होती है देखिए, अगर आप सीजीएस की बात करें तो नाम से ही पता चलता है क्या होगा, ग्राम जी, सिंबल क्या हो गया जी। अगर आप एमकेएस की बात करें तो क्या हो गया किलोग्राम जी। अब 1 किलोग्राम रिलेशन हम बात कर रहे हैं, इसका क्या प्रूव कर रहे हैं रिलेशन, रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो 1 kg इज इक्वल टू, जब के को हटाना होता है तो क्या करते हैं के की जगह 1000 लगा देते हैं, तो कितना हो गया 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। या क्या लिख सकते हैं आप 1 kg इज इक्वल टू 10³, कितनी जीरो है 1, 2, 3, तो पावर में क्या आ जाएगा 3 ग्राम। अगर आपसे उल्टा पूछा जाए कि 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, कितने केजी होता है,
क्या पूछ रहे हैं? 1 ग्राम, क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी? तब आंसर में क्या करना आपको? 1 ग्राम यहां पे क्या है? 10^3, तो 10^-3 केजी। हमेशा ध्यान रखना, बड़ी यूनिट है, आप छोटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो के की जगह क्या लगाना आपको? 10^3। जब आप के भी लगा रहे हो, के लगा रहे हो, तब साथ में पावर क्या कर देना? माइनस। तो के का मतलब क्या? 1000 × 10^3। तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, है ना? ये बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, के को हटाना है, तो 10^1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10^3 मिलीमीटर, 10^6, 10^8 एंगस्ट्रॉम, 10^12 पिकोमीटर, है ना? और किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^3। लेकिन यहां पे मैंने क्या दिया? 1 मीटर इक्वल टू निकाल रही हो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब के लगाना होता है तो आगे क्या आ जाता है? माइनस, यानी 10^-3 किलोमीटर। कुछ यूनिट कन्वर्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए, 4 मीटर तो हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो क्या करना है आपको? 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर, ये आंसर है। मतलब सी भी लगाना हो तो 10^2, सी को हटाना हो तो 10^-2। तो आपको क्या पूछा है? 4 मीटर, तो 4 × 10^2, मतलब मीटर से जब सेंटीमीटर आप बनाएंगे तब आपको क्या करना है? मीटर से जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 10^2 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियस है, 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? राइट वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10^8 m/s इन सीजीएस। आपको कन्वर्ट करना है, ये किस में? मीटर पर सेकेंड तो किस में हो गया? एमकेएस सिस्टम में, है ना? मीटर और सेकेंड, आपको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस, यानी सीजीएस में आपके पास ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेंटीमीटर। तो देखो क्या करना है इसमें, 3 × 10^8 m/s किस में कन्वर्ट करना आपको? सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताया? मीटर से सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100, और उल्टा करना है तो डिवाइड किससे कर दो? देखो, एक एम दो, एक लेटर है दो लेटर है, पड़ गया ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे मुझे क्या करना होगा? 3 × 10^8 मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 10^2 यानी 100, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सी। तो आपके पास जुड़ जाएगा 3 × 10^10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नाउ डिराइव्ड यूनिट। डिराइव एसआई यूनिट में हमने क्या क्या देखा? एसआई यूनिट में हमने टेम्परेचर, ये 7 एसआई यूनिट जो कि हमें ध्यान रहनी चाहिए हमेशा, इन्हीं से डिराइव्ड यूनिट बनेगी। हमें इनके यूनिट्स को यूज करके ही हमें क्या बनानी है? डिराइव्ड यूनिट बनानी है। और टेम्परेचर में क्या क्या रिलेशन होता है? मास का रिलेशन, लेंथ का रिलेशन, ये हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा
एसआई यूनिट क्या होती है और उनके बेसिक यूनिट के बारे में, डिराइव्ड एसआई यूनिट, इनको इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।